नमस्कार, मैं सोनल कालरा, मेदांता डिवीजन ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी में सीनियर डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी काउंसलर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में है। इससे बचने के लिए हमें गवर्नमेंट के निर्देश का पालन करना है। पहली चीज़, हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। दूसरी चीज़, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और तीसरी चीज़, हमें लॉकडाउन का पालन करना है। आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि लॉकडाउन के टाइम पे अपने वजन को कैसे नियंत्रण में रखें और कैसे हम इस लॉकडाउन को लाइफस्टाइल रिपेयरिंग के लिए सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज़रूरी है कि एक रूटीन को मेंटेन करें और उसको फॉलो करें। अपने खाने का समय निर्धारित रखें। वजन कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। इस रिस्ट्रिक्शन के लिए सबसे पहले आपको अपने खाने में से एम्प्टी कैलोरीज को हटाना है, जैसे कि बिस्किट, रस, नमकीन, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स। और अपने खाने में सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, पनीर, दही, स्प्राउट्स, लेग्यूम्स को ऐड करें। आपकी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? आधी प्लेट सलाद सब्जी, एक चौथाई प्लेट प्रोटीन, प्रोटीन जैसे कि दाल, दही, पनीर, चिकन, फिश, एग, बेसन, और एक चौथाई प्लेट अनाज जैसे कि रोटी, दलिया, ओट्स, म्यूसली, चावल, सूजी, पोहा। और कोशिश करें कि आप जो अनाज खा रहे हैं वो हाई फाइबर अनाज आप प्रेफर करें, जैसे कि रोटी, दलिया, ओट्स। क्योंकि हम लॉकडाउन पीरियड में हैं और हमारे फूड रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सलाद सब्जी और प्रोटीन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो हम कट कर सकते हैं वो है अनाज। इस पीरियड में हमें अपनी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है, तो अपने किचन में जाइए और ड्रॉर खोलिए और उसमें देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा वज़न कम करने के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दोनों के लिए ही लाभकारक हैं, जैसे कि हल्दी, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, मेथी दाना, इलायची, आंवला, जिंजर, सिट्रस फ्रूट्स और टोमेटोज। अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें। दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी का ज़रूर पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। लॉकडाउन की वजह से हमारा फिजिकल एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है, तो आप अपना इंडोर एक्टिविटी रेजिमेंट खुद से डिसाइड करें, जो कि इंजॉय कर पाएं आप और जो फॉलो कर पाएं, जैसे कि डांसिंग, योगा, एरोबिक्स, फिटनेस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वर्चुअल फिटनेस क्लासेस आजकल बहुत चल रही हैं। एक घंटे की फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इसको एक बार में भी कर सकते हैं या आधा आधा घंटा करके दो बार में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फिजिकल एक्टिविटी हमेशा वार्म अप एक्सरसाइजेस से ही शुरू। स्ट्रेसफुल पीरियड में कुछ लोगों के वजन बढ़ने की टेंडेंसी रहती है। इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अपने शरीर का स्ट्रेस को बढ़ने नहीं देना है। इसके लिए हमें मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। बॉडी रिपेयरिंग के लिए 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। इसके लिए अपने सोने का समय निर्धारित करें और अपने स्क्रीन टाइम को कम करें। इस लॉकडाउन में फूड इंडल्जेंस ना करें, खाने को एंटरटेनमेंट के तौर पे ना लें। ये बोर्डम का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक्सपेरिमेंटल एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो ना करें, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। वेट लॉस या ओबेसिटी की आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप कोई डिफरेंट डाइट्स फॉलो करना चाहते हो, तो हमारी टीम से मेदांता ई क्लिनिक के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करें।